यो गाइस, मैं हूँ अबू सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो आज करीब करीब 15-16 कबूतर आए हैं, जो बस जस्ट अभी अभी लेके आया हूँ। और ज़्यादा दूर से नहीं आया, आधा किलोमीटर से। तो कबूतर गर्मी की वजह से थोड़ा हाँफ भी रहे, इसलिए फटाफट अब हम निकालेंगे इनको बाहर। या मैं तो और एक एक दिखाते हुए हम आपको रखेंगे इसमें। इधर आओ, चीनी जो पहला जोड़ा रखा हूँ। नहीं होगी, एक था और चीनी होता है। नहीं, ये मादा है। सही से आ रहा ना, धूम गायब होती है। ये दोनों पेयर है। ये है छक्का नर काली आँख का, ये है लाल छक्का। ये बनारस की फेमस ब्रीड लाल छक्का, कुछ लोग लाल छापदार भी बोलते हैं। ये इसकी मादी सफ़ेद आँख से, और इसके बच्चे काली आँख के और सफ़ेद आँख के दोनों होते हैं। इसका जोड़ा कौन है? कासनी मारा है कि चीनी मारा है? ये कासनी है, ये कासनी। इसमें ये है कासनी, ये है कासनी, ये भी, ये हल्का कासनी है। लोग कासनी बोलते हैं, लालचीरा जिसको बोलते हैं। ये सब बनारस की फेमस ब्रीड है। ये है लाल बन का सबज, ये लग बन देखो, थोड़ा ध्यान रखो। ये लाल वन की सबज काली हरी में, आके देखो ना, दूर से ले रहा था। ये पुरानी टेढ़ी है। ये कल सिरा फुल सिरे में, या यूँ कहें कि फुल सिरा कल दुमा। एक एक पत्ती सफ़ेद काली लगाया हुआ है दोनों तरफ। उधर की चोंच देखो कितनी शानदार है। Thank you.
ये सिलेटी गर्दन वाले कासने, साइज देखो इधर का। ये है बनारस की पुरानी और रेयर नस्लें भूरा। हालांकि पहले जैसी प्योरिटी नहीं है, पहले के जो होते थे काफ़ी छोटे छोटे पंजे के होते थे और एकदम अंगूठे पे, जो कहते हैं ना अंगूठे पे बल चलने वाला कबूतर, तो उन इनमें ये होती है। और उड़ान तो माशाल्लाह काफ़ी शानदार होती थी भूरों की। और इसके भी बच्चे जो होते हैं वो अभी तक गिरे नहीं, जहाँ से लाया हूँ एक बच्चे भी नहीं कहीं गिरे हैं। तो अभी कबूतर को इसमें सुस्त थोड़ा सुस्ता लेने दें, आराम कर लेने दें, उसके बाद हम लोग इन्हें पेयर डालेंगे। पेयर लगे हुए हैं ज़्यादातर। और ये जीरी है जो फूट है, सिर्फ यही एक फूट मादी है, बाकी सब जोड़े में आए हैं। और ये मादी है, तो एक एक बार फिर से देख लें। अभी तो कबूतर डरे हुए हैं और थोड़े छुपे हुए हैं, करीब करीब 3-5 टोटल 15 कबूतर है। इसमें कितने छूटे? 4 छूटे हैं। 11 कबूतर इसमें हैं, 4 कबूतर उसमें हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कबूतर आए, करीब करीब 24 घंटे हो गए हैं और कबूतर एकदम फ्रेश हैं, एकदम नॉर्मल हो गए। 24 घंटे हो गए तो उतने में तो हो ही जाएंगे। उस टाइम क्या था, करीब करीब आधा 15 किलोमीटर दूर से लेके आया हुआ था, वो कोई काटन नहीं दिख रहा था, इसलिए प्लास्टिक के उसमें बोरी में लाए थे। और कल का टेम्परेचर करीब करीब 44 डिग्री के आसपास था, इसी वजह से कबूतर कुछ ज़्यादा ही हाँपने लग रहे थे। और कबूतर ऐसे भी गर्म चीज होते ही हैं, काटन में भी भर देते हैं तो पूरा एकदम काटन एकदम गर्म गर्म हो जाता है। तो आज कबूतर थोड़े मूड में है मस्ती के। इधर भी देख लो, ये सारे सब बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तो दाना पानी चल रहा है। ये अपने पकड़े वाले और पुराने वाले, ये सारे नए जो कलाएं हैं, 2 जोड़ी उसमें हैं और बाकी 5 जोड़ी और 1 फुट मादी इसमें है। फुट मादी यही है जीरी, जिसको उस जीरे से लगाएंगे, जो जीरा 3-4 दिन पहले दिखाया गया था इधर पकड़ में, ये रहा। Thank you.
ये पिछली वीडियोस में जो पकड़ा था रात वाला वो है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी करते हैं इन्हें आराम, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।